हारेगी भी और जीतेगी भी, इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में ढेर सारे काम किए हैं, मैं इस पर बाद में आता हूं। सबसे पहले यहां जो कार्यकर्ता है उनको मैं मन से अपील करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसकी मूल इकाई ही हमारा कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छो अच्छो को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों, अच्छो अच्छो को। जम्मू कश्मीर के बूथ के कार्यकर्ताओं ने, जम्मू के बूथ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जम्मू में जो परिवर्तन आया वो बताना है। भाइयों बहनों, आज मैं जम्मू के सारे मतदाताओं को कहने आया हूं, 70 साल तक हम विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे, किसी के सामने गिड़गिड़ाते थे, आंदोलन करने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे, बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब ऐसा दिन आया है कि आपको ना मांगने की जरूरत है, ना आंदोलन करने की जरूरत है, आपके मन में है वो मोदी जी सीधा आपको दे रहे हैं। और बाबा अमरनाथ की यात्रा 5,12,000 से ज्यादा यात्री गए, सबसे ज्यादा टर्नआउट इस बार हुआ है, बम बम भोले के जयकारे के साथ बेखौफ होकर पूरे देश के यात्रियों ने यात्रा करी। और मित्रों, ये सारी चीजों को लेकर हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए और मतदान के दिन सुबह 7 बजे से, मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, कोई इसी का गलत अर्थ निकले, कब्र में भी सोए हुए मतदाता तो को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने करना। मैंने कल ही संगठन की बैठक में एक बात कही है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता 11 बजे के पहले अपना परिवार और 3 परिवार 4 परिवार, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, अपना परिवार, हर कार्यकर्ता का परिवार और साथ में और 3 परिवार, कितने परिवार हुए भाई? अरे जोर से बोलो, कितने हुए? 4 परिवारों का मतदान 11:30 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाकर कराना है। मुझे जरा हाथ उठाकर सभी कार्यकर्ता बताएं, क्या तैयार हो इसके लिए? पक्का तैयार हो? आज से ही आपके 4 परिवार चिन्हित कर लो, एक आपका और 3 हमारे सगे संबंधी दोस्त रिश्तेदार का, 4 परिवार का वोटिंग 11:30 बजे के पहले हमने समाप्त करना है। भाइयों बहनों, मैं आज मन से कहकर जाता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये करता है तो हमें कोई चुनाव में हरा नहीं सकता, कोई चुनाव में हरा। आज मैं जम्मू क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को ये भी कहने आया हूं, अगली सरकार कैसी बनेगी, किसकी बनेगी, वो दिन लद गए कि कोई और तय करता था, अब अगली सरकार किसकी बनेगी वो जम्मू वाले तय करेंगे। भाइयों बहनों, हमने घर घर जाकर इनके विभाजनकारी एजेंडा के लिए लोगों को जागरूक करना है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे को उजागर किया था। मगर आज मैं आप सबके सामने आया हूं और मैं सबसे ज्यादा भरोसा मीडिया पर नहीं करता, आप पर करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी जमात वाला हूं भाई। मैं भी बूथ अध्यक्ष रहा हूं। मैं आज आपके सामने एक एक कर 10 एजेंडा फिर से रिपीट करना चाहता हूं। मैं पूछूंगा तब आप हाँ या ना में जवाब देंगे। करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे क्या? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहे, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं, उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र, पूंछ, रजौरी, जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू, पूंछ, रजौरी, डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे। आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। भाइयों बहनों, हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो, सहमत हो? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना। आप सहमत है क्या? सहमत है क्या? जिस ऑटोनॉमी की बात ने जम्मू कश्मीर को आग में झुलसाया,
घाटी में और कश्मीर में, जम्मू में 40,000 लोग मारे गए, ये कहते हैं हम जम्मू कश्मीर को ऑटोनोमी देंगे। मैं आज बताने जाता हूं, बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों मेरी बात ढंग से सुन लेना, कोई ताकत ऑटोनोमी की बात अब कर नहीं सकती। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और भाइयों बहनों अंत में, ये राहुल बाबा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस वापस देंगे। अब मैं यहाँ अब्दुल्ला साहब और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूँ कि भैया आप कैसे वापस दोगे, बताओ तो कौन वापस दे सकता है? बड़ा जोर से बोलो, कौन दे सकता है, कौन दे सकता है? ये क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? सब में अकल है, वो भारत सरकार ही दे सकती है, मोदी जी ही दे सकते हैं। अब आगे सुनिए, मैंने खुद कहा है कि चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे, और आम सभा में नहीं कहा है, हमने पार्लियामेंट में कहा है। जो चीज हमने दे ही दी है इसको ये मांग रहे हैं, बताइए भाई ऐसा कभी देखा है क्या? अरे भाई मेरा 5 अगस्त 6 अगस्त का भाषण सुन लो, उसमें मैंने कहा है चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को हम फिर से यूटी से राज्य बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी आप लोगों को गुमराह मत करिए, हमने जम्मू कश्मीर को हम जानते हैं, उसके सम्मान को भी जानते हैं। भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सालों से गुर्जरों की, हमारे पहाड़ी भाइयों की, हमारे दलित भाइयों की, ओबीसी समाज के कई सारे वर्ग, जाट और ऐसे कई वर्ग जो सम्मिलित है उनकी रिजर्वेशन की मांग थी, इन्होंने नहीं दिया, हमने इसको रिजर्वेशन दे दिया। ये लोग कहते हैं ये रिजर्वेशन पर हम पुनः विचार कर देंगे। आज मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, एक एक पहाड़ी के घर पर, एक एक गुर्जर बगरवाल के घर पर, एक एक दलित भाई जाट भाई के घर पर जाइए और बताइए कि आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। भाइयों बहनों कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है, कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी, ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे। आप जानते हो ना, जानते हो नहीं जानते हो, कौन है, कौन है, जोर से बोलो कौन? इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया। मैं आज कहना चाहता हूं मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की, आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई सालों के बाद अमरनाथ यात्रा बेखौफ गई, 5 लाख लोग दर्शन कर आए। कई सालों के बाद घाटी में रात का थिएटर चालू हुआ, कई सालों के बाद घाटी में ताजिया का जुलूस निकला, और कई सालों के बाद हमारी जम्मू और कश्मीर की कई यात्राएं निर्विरोध समाप्त हो गई। भाइयों बहनों अगर ये आए तो पीछे के पीछे आतंकवाद आया समझिएगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेषकर जम्मू के लोगों ने तय करना है कि आपको आतंकवाद चाहिए या चैन अमन शांति विकास और उद्योग विकास चाहिए, ये आपको तय करना है। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा, और भाजपा आई
तो किसी की तकात नहीं है आतंकवाद को यहाँ घुसपैठ कराने की। भाई और बहनों, हमने पंचायत के चुनाव कराए, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, जिसको ये तीन परिवार रोक कर बैठे थे, और पंचायत चुनाव में हमारे लोगों ने अच्छे से वोटिंग भी किया। पर भाइयों बहनों, हमने अकेले जम्मू में 32,000 करोड़ से ज्यादा विकास का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे जरा जोर से बुलाओ, मोदी जी ये सारा विकास लेकर आए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में एम्स कौन लेकर आया? जोर से बोलो, कौन लेकर आया? जम्मू कश्मीर में IIT कौन लेकर आया? जम्मू में IIM लेकर कौन आया? भाइयों बहनों, आपको एक भी जुलूस नहीं निकालना पड़ा, एक भी डंडा नहीं खाना पड़ा। जम्मू में एम्स, IIT, IIM देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, कई सारे कॉलेज बने, इसके आगर चला 25,200 करोड़ से हाइड्रो पावर 3,000 मेगावाट से ज्यादा जनरेट होने लगेगा, जिससे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पैसा आने वाला है। भाइयों बहनों, बिजली की व्यवस्था में भी हमने सुधार किया और कई सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार के। आज ये अपने 10 मुद्दे पर नाच करते हैं, जो जम्मू कश्मीर को पहले की तरह और विशेषकर जम्मू को आतंकवाद की लपेट में लपेटना चाहते हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप एक कार्यकर्ता चार परिवार का फॉर्मूला पार कर दीजिए, हम जम्मू को आतंकवाद की आग से हमेशा के लिए बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ये कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, कल मुझे मीडिया के मित्र बोले कि यहाँ तो एक हवा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है कांग्रेस और ने। मैं आज भाइयों बहनों, मैं बड़ी युवा अवस्था से चुनाव के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं और मेरा आकलन भी कमोबेश ठीक रहता है। आज मैं आपके सामने कह कर जाता हूं, सामने की दीवार पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती। मेरी बात मान कर घर घर में जाकर हमारा कार्यकर्ता ये संदेश आगे पहुंचाए। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने आकर हमने छुट्टी देने का काम किया। और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये तीनों परिवार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि एक और पूरे देश का भ्रष्टाचार और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP का भ्रष्टाचार। अगर इतना पैसा जम्मू कश्मीर में विकास के काम में खर्च होता तो आज आपका कोई काम बाकी नहीं होता। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ तब हमारे संकल्प पत्र की भी बात करना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो जोर से नारे लगाइएगा। हमने तय किया है कि मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को
सबसे वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपया हम सालाना देने का काम करेंगे। उज्ज्वला लाभार्थी को 2 गैस के सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अग्निवीरों को 20% आरक्षण केंद्र के अलावे जम्मू कश्मीर की नौकरियों में देंगे। और डोडा में, किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, और डोडा किश्तवाड़ में जहां 7 झील है वहां पहलगांव से भी अच्छा एक नया पर्यटन शहर बनाएंगे, जिससे जम्मू क्षेत्र के पर्यटन को आगे बढ़ेगा। हम टैटू ग्राउंड पर एक एम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे। हम डल झील में विश्व का सबसे अच्छा झील पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। एससी और एसटी को नौकरियों में उनके प्रमोशन निश्चित करेंगे। हर किसान को मोदी जी 6,000 भेज रहे हैं, हम इसमें 4,000 जोड़कर 10,000 रुपया देंगे। कृषि बिलों के दरों में 50% राहत देंगे। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो चलाएंगे। 5 साल तक 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट बनाकर यहाँ बहुत बड़ा हम एक पर्यटन का सेंटर बनाएंगे। और कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों के लिए एक नई योजना लेकर भी आएंगे। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर का समग्रता से विकास ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। मैं घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, कई बार आपने इनके हाथों में सत्ता दी। जब जब आतंकवाद आया, फारूक साहब और उनका परिवार इंग्लैंड चला जाता था। जरे उनके पासपोर्ट देख लीजिए, आतंकवाद आया तब घाटी के युवा मरे। हमने घाटी को आतंकवाद से रहित करने का काम किया है। बाकी जो करना है वो करिए। फारूक साहब और कांग्रेस को मत जिताना भैया, नहीं तो उनका एजेंडा फिर से आतंकवाद लाने का। विकास की ये बयान रुक जाएगी, जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। मैं कार्यकर्ता भाइयों बहनों को कहने आया हूँ, आज से मतदान की तिथि तक हर कार्यकर्ता एक ही लक्ष्य रखे। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती थी, इस तरह हमने बैलेट बॉक्स पर कमल का निशान दिखाई पड़ना चाहिए, कमल का निशान। हर घर, हर बूढ़े, हर युवा को अपने अभियान के साथ जोड़िए। आरक्षण वालों को आगाह करिए, आपका आरक्षण जा रहा है। युवाओं को आगाह करिए कि फिर से टेररिज्म लाना चाहते हैं। और जम्मू की जनता को आगाह कीजिए कि फिर से कटोरा लेकर श्रीनगर न जाना पड़े, ऐसी सरकार लाइए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप सभी लोग घर घर जाकर संपर्क करेंगे? अरे जोर से बोलो, करेंगे क्या? एक कार्यकर्ता 4 परिवार फॉर्मूला का पालन करेंगे? 11:30 बजे के पहले कमल से झोली मोदी जी की भर दोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? भाजपा को जिताओगे? कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराओगे? तो मेरा आपको कहना है कि ये संकल्प लेकर आ जाइए और भाजपा को विजयी बनाइए। भाइयों बहनों, बड़ी आशा के साथ, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूरा देश आपको देख रहा है। जम्मू संभाग के सभी मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं कि मोदी जी ने पहली बार जम्मू के स्वमान को लौटाने का काम किया है, जम्मू को सम्मानित करने का काम किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। आप सभी लोग कमल का निशान जिसके पास है उसको जिताइए, यही मेरी आपको करबद्ध प्रार्थना है। हमारे 3 और कैंडिडेट आ गए हैं। एक मोहनलाल जी के लिए ताली बजाओ, अरविंद गुप्ता जी और गारू राम भगत।
अरे आगे आओ गारूराम जी, दूर से नहीं दिखाई पड़ेगा, आगे आओ तीनों लोग, जरा जोर से ताली बजाओ, हमारे 11 के 11 प्रत्याशी आगे आ जाए जरा, सबके लिए 11 प्रत्याशियों के लिए एमपी साहब आप पीछे रहिए जरा, ताली बजाओ जोर से, ये सभी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। इतनी प्रार्थना कर मेरी बात को विराम लगाता हूँ, फिर से एक बार मैं बुलवाना चाहूंगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी प्रत्याशियों की ओर से। भारत माता की, क्यों भाई जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है, धारा 370 जाने के बाद पहली बार जम्मू के लोग वोट डालने जा रहे हैं, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक संदेश जाना चाहिए, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। जोर से नारा लगाइएगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज मैं कौल साहब को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने मुझे यहां कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाया था, है भी कार्यकर्ता सम्मेलन, मगर मैं आज जम्मू कश्मीर के सारे नेताओं को पूछना चाहता हूं, अगर सम्मेलन ऐसा है तो सभाएं कैसी होगी वो मुझे समझ में नहीं आता है। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को मन से प्रणाम कर प्रणाम करना चाहता हूं। आज के सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान किशन रेड्डी जी, जो हमारे चुनाव का पूरा प्रभार उठाए हुए, रेड्डी साहब खड़े होइए जरा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री है, श्रीमान तरुण चुग जी जो हमारे प्रभारी है, जुगल किशोर जी बार बार चुने वाले सांसद है, गुलाम अली खटाना जी हमारे संगठन मंत्री श्री अशोक कौल जी, कविंदर गुप्ता जी, शमशेर सिंह जी, श्री सतपाल शर्मा जी, श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, श्री राजीव शर्मा जी, श्री श्यामलाल शर्मा जी, श्रीमान गंगा जी, श्री सुरजीत सिंह जी, नरेंद्र सिंह रैना जी, देवेंद्र मनियाल जी और युद्धवीर सेट्टी जी, ये सारे प्रत्याशी आप सभी के भरोसे कमल के निशान पर चुनाव के मैदान में उतरे हैं। सामने वाले को सिर्फ हराना नहीं है,
जमानत जब्त कर कर घर पर भेजना है। भाइयों बहनों, मैं मंदिरों के शहर जम्मू में आया हूं तब यहां पर बड़े मन पूर्वक कश्मीर के लिए जिन्होंने शहादत दी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जिन्होंने प्रजा परिषद से आंदोलन शुरू किया जिसको 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त करने का काम, और अभी अभी बाबा दिलीप सिंह मनहास की मूर्ति पर मैं प्रणाम कर आया हूं, उनको भी बड़े मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों, ये संयोग ही है कि भाजपा का पहला चुनावी सम्मेलन गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हो रहा है, और हम सब मानते हैं कि विघ्नहर्ता यात्राओं के सभी विघ्न का भरण करते हैं। मैं गणेश चतुर्थी की देश भर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाई, वो वहां अफसर साहब खड़े हैं, आप डायरेक्शन करें बगैर रहने दो। ओ भाई पुलिस अफसर, आप अपना स्थान ले लो, कुछ चिंता मत करो यहां। और आज जैन भाइयों का पर्युषण पर्व भी शुरू हो रहा है, जैनी सभी भाइयों बहनों को और देश भर को पर्युषण पर्व की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं विराट ताकत भारतीय जनता पार्टी की देख रहा हूं, उससे मेरे मन में जो आनंद है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सिर्फ 13 सीटों के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि कुर्सियां तो सारी भर गए और बाहर भी लोग समाते नहीं है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप ये मानकर चलिए कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता 2 झंडे नहीं एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार 2 संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। और पहली बार अभी इस पूरे जम्मू कश्मीर सूबे में कभी प्रधानमंत्री नहीं बैठ सकता, प्रधानमंत्री एक ही होता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता जिसको चुन कर भेजती है, और वो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां बताने आया हूं। पहले मीडिया के मित्रों के मन में बहुत सारा स्पेक्यूलेशन है,